हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक पेटी कैश बुक। वैसे तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये सारी चीजें जाननी होती है कि पेटी कैश बुक। देखिए, जो हमने कैश बुक बनाया, जहां पे हमने कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम हमने डिस्कस किया, इसमें हमको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो बाकी जो बड़ा अकाउंटेंट है ना उसको क्लियर नहीं करता है। क्या करता है ये बुक ऑफ अकाउंट, जो हमारे छोटे क्लर्क होते हैं वो मेंटेन करते हैं, और छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए जो बार बार रिकरिंग नेचर की होती है और छोटे अमाउंट्स होते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक पेटी कैश बुक बनाते हैं। इसका मेन जो वही जो मेन इसका थीम होता है कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को बड़ी जगह पे, बड़े बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करना है, छोटी जगह पे क्या करना है इसको बनाना है, तो इसलिए इसका सेपरेट अकाउंट्स बनता है जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, इन द बुक ऑफ पेटी कैश बुक ऐसे लिखते हैं हम लोग, इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ पेटी कैश बुक, पेटी कैश, इस तरीके से इसको क्या कहते हैं हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो फॉर्मेट होता है, मेन इसके फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट होता है, बट मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेट आप एक बार अगर इसको देख लिए, मेरी गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम यहां भी होते हैं, बट जो हमारे पार्टिकुलर्स का कॉलम होते हैं वो सिर्फ इसमें एक ही होता है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम लोग, देखिए यहां पे पहला कॉलम देखिए, रिसीप्स अमाउंट, रिसीप्स अमाउंट यहां पे, और इसका एक कॉलम, इसके बाद हमारा होता है डेट, डेट का कॉलम, इसके बाद हमारा वाउचर नंबर का एक छोटा सा पतला सा कॉलम होता है, बहुत बड़ा कॉलम नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में हमने यहां लिख दिया। इसके बाद हमारे थोड़े से कॉलम बढ़ते हैं, बढ़ते हैं मतलब इसमें हम लोग टोटल का कॉलम बना देंगे, इसमें एक टोटल, टोटल पेमेंट का। ठीक है, तो यहां पे टोटल पेमेंट का कॉलम, ध्यान दीजिएगा यहां पे रिसीव का कॉलम था, यहां पे हमने पेमेंट का कॉलम बना दिया। इसके बाद हमारे तीन चार जो होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होंगे उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो कॉन्वेनियंस का बनाते हैं हम लोग, कॉन्वेनियंस, एनएन कॉन्वेनियंस का बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक कॉलम बन जाएगा, छोटा छोटा कॉलम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कार्टेज, कार्टेज का कॉलम, फिर एक छोटा सा कॉलम आप ड्रॉ कर लीजिए, कार्टेज के साथ साथ आपको पोस्ट स्टेशनरी का कॉलम बना लीजिए, स्टेशनरी, और फिर एक छोटा सा कॉलम बना दीजिए, छोटे छोटे कॉलम बनाइएगा क्योंकि हमारा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद रिपेयर्स का कॉलम आप चाहे तो बना सकते हैं, रिपेयर्स, फिर छोटा सा एक कॉलम बना लीजिए, और छोटा सा कॉलम में हमारा क्या आ जाएगा भाई, वेजेस, वेजेस कर लीजिए एक ठो, वेजेस, और लास्ट में हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, ये वाला कॉलम बना लीजिए, इतना ही कॉलम बनता है। अगर आपका सीजीएसटी इनपुट या सीजीएसटी आउटपुट होता है तो उसके लिए अलग से कॉलम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे छोटे थोड़ा सा आगे भी कॉलम बन सकते हैं अगर आप चाहो तो, इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी का, इनपुट आईजीएसटी का भी कॉलम बन सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे भी कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या आपने देखा, अलग क्या है इसमें, आपने रिसिप्ट का अमाउंट बनाया, डेट एक ही रहेगा जो कि कैश बुक में आप दो डेट डाल देते हैं और पार्टिकुलर्स एक ही होगा इसमें, और इधर इधर डेट से पहले रिसिप्ट से कॉलम, फिर डेट, फिर वॉइस नंबर, फिर पार्टिकुलर, फिर टोटल पेमेंट। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे, जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्वेश्चंस में जैसे एक्सपेंसेस देते हैं, कॉन्वेंस,
कार्टेज, स्टेशनरी, रिपेयर, वेजेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जरूर डाल दीजिएगा। अगर आपको जो भी एक्सपेंसेस समझ में ना आए उसके कॉलम में क्या करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप डाल देते हैं। सिंपल है, हम क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग को करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन ले लें। यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया आपने, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में देखें पहले क्या करना है, रिसिप्ट आपने फर्स्ट जनवरी को यहां पे आप डेट डाल दीजिए 2018 फर्स्ट जन, ठीक है। क्या किया आपने कि रिसीव किया 10,000 फॉर पेटी कैश। इसमें क्या करता है ना कि जो कैशियर होता है वो कुछ अमाउंट, एक पार्टिकुलर फिक्स अमाउंट क्या करता है, ला करके डिपॉजिट कर देता है, रख देता है कि 10,000 में से क्या करना है आपको, जो भी मिसलेनियस जो भी हमारे आपके रिकरिंग खर्चे हैं उसको क्या करिए आप फुलफिल करिए, ठीक है। और हर बार क्या करता है वो कैरेट। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें पहले का कुछ अमाउंट दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस हमारा 500 बचा हुआ है और जो हमारा पेटी कैश बुक का 10,000 अमाउंट रखना है, तो अब कितना सिर्फ कैशियर देगा 9,500। उस केस में अगर आपको यहाँ पे रहता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी 500, फिर आपके क्या करेंगे बाई कैश अकाउंट लिखेंगे 9,500। इस तरीके के अगर पहले से अमाउंट रहे तो, बट इस क्वेश्चन में पहले से कोई अमाउंट गिवन नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट जनवरी को रिसीव कर रहे हैं, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी हमारा बाई कैश अकाउंट, सॉरी टू कैश अकाउंट। जब भी हम लोग रिसीव करेंगे तो टू लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट कितना हमने रिसीव किया भाई 10,000, तो यहां पे क्या करेंगे 10,000 लिख देंगे, ठीक है। और अमाउंट जो भी कॉलम रहेगा आप उसके लिए रुपीस का इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट जो भी रहता है हमारा किस में रहता है भाई रुपीस में, ठीक है। इसके लिए सारे रुपीस में क्या करेंगे आप इसको रुपीस रुपीस आगे लगा देंगे। तो हमारा क्या, ध्यान दीजिए टू कैश अकाउंट हमने जब रिसीव किया और रिसीव कॉलम में डाल दिया, इसके बाद हमारा जितना भी होगा वो क्या होगा पेमेंट होगा ना। देखिए क्या किया इसमें, पेड फॉर बस फीस, हमने क्या किया बस की फीस पे किया है। अब बस फीस क्या होता है हमारा, इसमें हमारा कॉन्वेनियंस फीस होता है बस, यानी जो हमको इजी बनाता है कॉन्वेनियंस फीस में जाता है हमारा। ध्यान दीजिए जितने भी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आप यहां पे डाल सकते हैं, आप यहां पे चाहो तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी डाल सकते हो कॉन्वेनियंस की जगह, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स कुछ अलग अलग होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप एक्सपेंसेस का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं जिससे एक क्लियर हो सके कि आप जो अमाउंट खर्च किए किसके लिए खर्च किए आप यहाँ पे पता चल जाए। वैसे तो आप यहाँ पे लिख देंगे तभी पता चल जाएगा, बट आपके कॉलम से यहाँ पे क्या करते हैं बना दिए जाते हैं पेटी कैश बुक पे। एक हमारा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं चल रहे हैं, ठीक है। बट तो पहले हमने क्या किया बस फीस पेड कर, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग जो भी डेट रहेगा, डेट आपका क्या है अभी 2 जनवरी, तो यहां पे 2 जनवरी को हमने क्या किया बस फीस पेड किया, तो यहां लिखेंगे बाई कॉन्वेनियंस अकाउंट कितना पेड किया हमने, तो पेड किया है 50 रुपीज, तो 50 रुपीज हमारा टोटल पेमेंट में भी जाएगा और 50 रुपीज हमारा कॉन्वेनियंस में भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो एक्सपेंस रहेगा उसमें भी हम क्या करेंगे इसको लिखते हुए चलेंगे। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद कर रहे हैं कार्टेज ना, हमने क्या किया कार्टेज, तो लिखेंगे हम लोग बाई कार्टेज, डेट आप पुट करते चलिएगा कार्टेज, और कितना अमाउंट है हमारा कार्टेज में हमारा है 250 ना, तो 250 हमने टोटल में भी डालना है और 250 हमारा कार्टेज में भी डालना है, ध्यान दीजिएगा ना। तो जो भी एक्सपेंसेस जिसमें भी हमारा कैरी करता है उसमें क्या करेंगे उसको हम लोग डालते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहे हैं पोस्टेज, तो यहां पे लिखेंगे बाई पोस्टेज, तो पोस्टेज अकाउंट और पोस्टेज में कितना हमने डालना है भाई, तो पोस्टेज में डालना 500 हमने यहां भी पुट कर दिया और 500 हम लोग क्या करेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का ऑप्शन अगर आपने नहीं डाला है तो ठीक है, आप एक पोस्टेज का भी क्या करेंगे इसमें आप एक ऑप्शन डाल देंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते, मैंने बोला ना कि जो भी एक्सपेंसेस रहता मुझे पता नहीं था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे आप उसके लिए एक हेडिंग बना देंगे। तो हमने क्या करना है पोस्टेज एंड टेलीग्राम में भी क्या करना है हेडिंग बना करके उसमें इसको पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं हम लोग, क्या करें छोटा सा हेडिंग पोस्टेज एंड पोस्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 500 पोस्टेज में भी हम लोग पुट कर दें, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या कर रहा है वेजेस,
ना, पोस्टेज की वेज क्या कह रहा है, पेज वेजेस, वेजेस में करते हैं हम लोग बाई वेजेस। आप देखिए ये जो अमाउंट है, कुछ करना नहीं है, जो भी एक्सपेंसेस है आपके टोटल बाई में जाएंगे। यहाँ पे बाई में लिखते हैं क्योंकि हमारा क्या है, पेमेंट साइड है, जब भी रिसीव करेंगे टू साइड में जाता है। तो यहाँ पे बाई वेजेस अकाउंट और वेजेस का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा हमारा, ठीक है, कितना है हमारा वेजेस का, 600 रुपीज, राइट। तो 600 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, और वेजेस में भी हम लोग 600 क्या करेंगे पुट कर देंगे। इस बात को आप थोड़ा सा क्या करिए, ध्यान देते रहिएगा, जिसमें एक्सपेंसेस रहेगा उसमें भी क्या करेंगे पेड करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेशनरी, तो यहां भी लिखेंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट। कुछ करना है नहीं भाई, करना क्या है कि यहाँ पे आपको लिखना है किसके थ्रू वो जा रहा है, वो क्या करता है लिखते हुए चलिए, और उसके बाद आप, ठीक है, तो आप लिखते हुए चलिए। देखिए मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं पोस्टेज, यहां पे कर दें, चलो यहां पे कर दे रहे हैं, यहां पे आगे तो लिख दिया हमने, इसके आगे हम लोग करते हैं। जैसे जैसे आपका है वैसे वैसे आप क्या करेंगे यहां पे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। पोस्टेज हो गया आपका, स्टेशनरी इसके बाद है, स्टेशनरी अकाउंट कितना है भाई हमारा, तो स्टेशनरी है हमारा 400, राइट, ये ना वेजेस एंड स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी कितना है हमारे पास, तो स्टेशनरी में हमने कितना अमाउंट लिखा है, 200। स्टेशनरी का अमाउंट कितना है, पेड और 400, राइट। स्टेशनरी में हम लोग 400 डाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका कुछ है सीजीएसटी इनपुट एंड सीजीएसटी इनपुट, इनपुट ही होगा पेड कर रहे हैं, तो यहां पे आप नोट डाउन करेंगे बाई सीजीएसटी इनपुट अकाउंट बाई एसजीएसटी इनपुट अकाउंट। आप इसको क्या करेंगे, जब भी जीएसटी रहेगा आप जीएसटी को भी क्या करेंगे यहां पे नोट डाउन करेंगे, और कितना परसेंट जीएसटी भाई इसमें, तो 6% है, तो 6% कितना होगा, 224 रुपीज एंड 24। और आगे आप एक कॉलम और जो बना लेंगे इसमें सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट का, आईजीएसटी रहेगा तो आईजीएसटी इनपुट, बट इसमें सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट ही आता है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं विथ इन आवर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप इसमें एक कॉलम, तो इसको क्या करेंगे आगे कॉलम में पुट करके उसमें आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप बाकी के एक्सपेंसेस भी हमारे पेड करते चलिए, ठीक है। फिर हमारा बाई कॉन्वेनियंस आपका कितना है, देखिए है ना, कौन सा चार्जेस भाई, ऑटो चार्जेस। ऑटो चार्जेस कितना है, 200 रुपीज, तो 200 हम लोग इसमें डाल देते हैं, और 200 हमारा कॉन्वेनियंस में डालेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो कॉन्वेनियंस में जाता है, इसको याद रखिएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी आप उसके जगह पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बाई रिपेयर्स, तो बाई रिपेयर्स में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको क्या करिए यहाँ पे लिखते हुए चलिए, लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे पुट कर देना है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है 1500, तो यहाँ पे 1500 कर देंगे, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में आप क्या करेंगे उसको डाल देंगे, ठीक है, रिपेयर्स में, सॉरी रिपेयर्स है ना, रिपेयर्स, तो रिपेयर्स में क्या करेंगे इसको आप 1500 रिपेयर्स में, जो कुछ करना नहीं है सब कुछ ऐसे ही करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको टोटल कर देना है यहाँ पे, अगर मान लीजिए पूरा खत्म हो जाता है तो यहाँ पे टोटल कर देंगे, सबका टोटल कर देंगे, ठीक है। और टोटल करने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई भी टोटल आ गया अमाउंट, और जो भी बचा होगा अमाउंट यहाँ भी टोटल कर लेंगे आप, इसका भी टोटल हमारा कितना होगा, यहाँ पे 10,000 आएगा, बट यहाँ पे हो सकता है ना कुछ कम अमाउंट आए, तो जो कम अमाउंट आएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, सीडी समझ लो, यानी मान लो यहाँ पे 6,000 कुछ आ गया, तो आप 6,000 लिखेंगे, और 4,000 यहाँ पे क्या करेंगे आप कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि इतना अमाउंट हमारा क्या हो गया है, बच गया, ठीक है। उसके बाद आप टोटल यहाँ पे, यहाँ भी 10,000 हो जाएगा ना, जो भी कैरेट होगा 10,000 यहाँ भी क्लोज कर देंगे, 10,000 से यहाँ भी क्लोज कर देंगे, बस हमारा एक कंप्लीट होके तैयार हो जाता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तरीका है, ये तरीका है क्वेश्चंस करने का, और ये हमारा फॉर्मेट है, तो पेटी कैश बुक बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं,
कुछ नहीं करना, पहला ही सबसे जब कैश रिसीव करेंगे सर, बाकी जितने एक्सपेंसेस हैं आप यहाँ पे अलग अलग कॉलम बना के पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब भी टोटल करेंगे तो इसका भी टोटल करिएगा, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल, उसको डबल लाइन से क्या कर देना, आपको क्लोज कर देना है। सिंपल, बस इतना ही काम आपको करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। ये हमारा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और एक कंप्लीट होकर तैयार हो गया। आपको बस इतना ही करना है, इससे अधिक नहीं करना है, ठीक है। और ये आपका पेटी कैशबुक, थोड़ा सा टाइम आपको फॉर्मेट बनाने में लगेगा, बाकी तो फटाफट आप क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ गया, भाई देखिए थोड़ा सा क्या है कि मेरा स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, मैं तो ऐसे ही मैं हैबिचुअल में स्मार्ट बोर्ड पढ़ाना चाहता भी नहीं, क्योंकि हम लोग वो टीचर हैं जो कि बोर्ड पे ही लिखना और पसंद करते हैं, बाकी तो फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है एवरीथिंग। तो भैया अगर पसंद आई तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दो, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।